Hello friends, welcome to RG International. Myself Jay Sharma, and today I am here with the founder of our company, Mr. Rajiv Soni. Well, hello sir. Hello. Welcome. And hello friends, today as we are doing this Facebook Live, for the students who are refused recently, और हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जो बच्चे रिसेंटली रिफ्यूज हुए, बट उसके पहले मैं सबसे पहले राजीव सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं जैसे हमारे फेसबुक पेज पे एक के बाद एक रिसेंटली वीजास आ रहे हैं, दो दिन में, तीन दिन में, पांच दिन में सर, तो बहुत सारी इंक्वायरियाज हमारे पास आ रही है आरजी ग्रुप में कि आरजी का ऐसा क्या स्पेशल राज है जो स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी वीजा ग्रांट हो जाते हैं. इंटरव्यू प्रिपरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, यूनिवर्सिटीज है. स्टूडेंट को आज जब एम्बेसी में जाता है वीजा इंटरव्यू देने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन ऑफिसर पूछ सकते हैं, तो हम लोग इतनी प्रिपरेशन बच्चों को करवाते हैं कि उसकी वजह से ही आज वीजा रेशियो हमारा काफी 95% से भी अप है अभी. और जो यूनिवर्सिटीज है वो उस पे भी काफी डिपेंड करता है. तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ रीजंस कि जिसकी वजह से हमारा रेशियो काफी हाई है, ठीक है ना. तो जय वो भी हम जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन दिस आर द मेन रीजंस कि भाई हमारे स्टूडेंट्स काफी हाई क्यों है सक्सेस रेशियो. जी सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और सर, सबसे पहले जैसे सवाल जो आ रहे हैं कि क्या रिफ्यूजल स्टूडेंट्स के पास अभी भी ऑप्शन है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? 100% यस. स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स रिफ्यूज हुए हुए हैं पोलैंड वीजा के लिए, फरवरी 2018 का इंटेक हो या फिर 17 सितंबर का मतलब इंटेक हो या ये इंटेक में सितंबर में हुए हो, डेफिनेटली स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद भी एक चीज जानना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट पे हम लोग काउंसिलिंग करते हैं. हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या मतलब उसका बैकग्राउंड तो थोड़ा चेक करना जरूरी है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स बहुत है कि जिन्होंने हमारे पास 5-5 रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट्स के हम लोगों ने वीजा किए. ये कहीं ना कहीं बच्चे अप्लाई करते हैं, रिफ्यूजल आते हैं, फिर अपील करते हैं, अपील भी रिफ्यूज होती है, उसके बाद भी बच्चे हमारे पास आते हैं. और हमने उन सब के वीजा 100% में नहीं, लेकिन एटलीस्ट बिटवीन 80-90% सक्सेस रेशियो हमारा है उसमें जी, कि हम लोग वीजा कर लेते हैं स्टूडेंट्स के. तो मतलब ऐसी बेसिक क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि भाई स्टूडेंट को उन बेसिक मिस्टेक्स से बचना चाहिए अप्लाई करने के पहले? आज की डेट में ऐसा है स्टूडेंट्स, आप प्लीज ये चीज को काफी सीरियसली ले सकते हो कि जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे इंटरव्यू को काफी सीरियसली नहीं ले रहे. दोज हु आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा व्हेन दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, ओके, दे नीड टू बी वेरी सीरियस कि वो आज बस इनको ये पोलैंड वीजा, सबके ऐसा माइंड सेट हुआ है अभी तक कि पोलैंड वीजा देती है, सबको देती है, मुझे भी देगी, हमारे पास एडमिशन है, फंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स है. लेकिन लास्ट दो इंटेक से ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. आज एम्बेसडर वीजा ऑफिसर ऐसी छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जो देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, और उसकी वजह से मतलब वीजा मिलते भी है और नहीं भी मिलते हैं. जैसे लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है, काफी ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स वो लोग कुछ चीजें नहीं देखते, कुछ चीजें ऐसी है कि वो ढूंढ के निकाल के भी वो देखते हैं जी. दूसरी है कि आपका कोर्स सिलेक्शन, ठीक है ना, बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि भाई उसने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल लिया हुआ है, बैचलर के लिए चला जाता है बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है ना. कोई ऐसा है किसी ने बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, मास्टर्स के लिए बिजनेस मैनेजमेंट में चला जाता है. तो वो कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स सिलेक्शन और उसका गोल. आज कई हम लोग हर बच्चे जो हमारे इंटरव्यू देके आते हैं तो हमारी एक टीम है आरजी ग्रुप में कि उनका फॉलोअप लेती है सेम डे कि भाई क्या क्वेश्चनिंग हुई आपसे, आपने क्या आंसर किया जी. तो ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है कि भाई स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन देता है, उसके आंसर वो क्या देते हैं. तो वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है कि भाई कोई कोर्स सिलेक्शन, ठीक है ना, कोर्स सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली आगे सब वो होता है. उसके बाद होता है यूनिवर्सिटी जी.
आज कोई भी स्टूडेंट हो, कई मैंने मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो मेरे से फेसबुक पे बात करते मैसेज लिखते हैं, कि कई स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली हमसे वो नहीं, लेकिन हमारे गाइडेंस के अंडर वो लोग अप्लाई करके वीजा लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है कंट्री में, उसकी वैल्यू क्या है, और पढ़ाई के बाद उसकी डिग्री की वैल्यू क्या है, तो वो कंट्री में वो जानना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन एक अच्छी हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन होगा तो 100% वीजा मिलेगा। एमबीसी आजकल ये सब बहुत देखती है कि भाई यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है ना, अभी पहले जैसा नहीं है माहौल। और सर मैं सबसे पहले जो हमारे फेसबुक लाइव से भी जुड़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस समय तो आप फेसबुक लाइव में जुड़ सकते हैं, आपका सवाल पूछ सकते हैं। आप आरजी इंटरनेशनल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अभी मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, 7575866622। और दूसरा नंबर है 7575899992। तो आप इस समय हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। राजीव सर आपके सारे सवालों के जवाब जो हैं, जो वीजा रिफ्यूजल से रिलेटेड हैं या पोलैंड स्टडी से रिलेटेड हैं, सारे सवाल के जवाब आपको अभी इसी वक्त मिल सकते हैं। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज जैसे आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी अगर हाईली रिप्यूटेड होगी तो वीजा मिलना स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी होगा। इसके अलावा भी और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं सर कि जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए यूनिवर्सिटी के अलावा, कि जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन और ऐसी सब चीजों में बारीकी से तैयारी होनी चाहिए? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि कवरिंग लेटर। स्टूडेंट आज कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने कई ऐसे कवरिंग लेटर भी देखे हैं, जो बच्चे हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो जो रिफ्यूजल हुए हुए बच्चे हैं, जो दूसरों मतलब बाहर से आते हैं हम लोग देखते हैं, तो उनके कवरिंग लेटर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। हर बच्चा बस एक ही है कि भाई पोलैंड इज ब्यूटीफुल कंट्री एंड पोलैंड इज दिस दिस, लेकिन कवरिंग लेटर होता है कि भाई आपका पूरा बैकग्राउंड, ठीक है ना, कि आपका आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है क्या है, ठीक है, उसके बाद होता है कि आपको आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद जेन्युइनली आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। आज ऐसे ही कोई बोल दिया कर लिया ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना, टेक्निकली आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। आज एम्बेसडर वीजा ऑफिसर यही देखते हैं कि आपने ये कोर्स लिया है तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके क्या फ्यूचर में आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको कवरिंग लेटर में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, और ये पॉसिबल हो तो पहले पेज में ही डालनी है। अगर ज्यादा भी नहीं लिखना है कि आप 4 पन्ने का या 5 पन्ने का आप कवरिंग लेटर बना दो और कोई भी आप देख ले, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही बहुत जरूरी है कि हो सके उतना छोटा, और छोटे में भी सब इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दो जी, ठीक है ना। तो ये एक चीज है, ठीक है, बच्चे का गोल एक सेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी, उसके बच्चे को इंटरव्यू में काफी कई बार पूछते हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कैसे जाना, ठीक है, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो प्रोग्राम आप पढ़ना चाहते हो वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपके पास इनफ होनी चाहिए कि आपको क्यों ये सब करना है, तो ये सब चीजें काफी मैटर करती है जी। सर हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, जस्ट अ सेकंड सर। थैंक यू सर, हमारे पास कौशिक देसाई जो हैं वो कॉल कर रहे हैं आनंद से, और उनका भी सवाल आया है कि आई हैव बीन रिजेक्टेड रिसेंटली, उनका वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो कैन आई रीअप्लाई अगेन फॉर स्टूडेंट वीजा, 2018 में अभी सितंबर इंटेक के लिए रिफ्यूज हुए हैं, तो क्या फिर से अप्लाई कर पाएंगे जी। हेलो कौशिक देसाई जी, आप डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक बार सिर्फ आपके जो एक बार आके मिल लीजिए कि आपको कोई क्या ड्यूरिंग द लास्ट इंटरव्यू क्या क्वेश्चन हुए, आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन से कोर्स पे अप्लाई किया था, ये इंफॉर्मेशन हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे ईमेल पे भेज दीजिए, बेसिकली इतना है कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने काफी ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जो 3-4 बार रिफ्यूजल हो, 5 बार रिफ्यूजल हो और हमने वीजा लिया है, तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट यू कैन अप्लाई, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये कंट्री में नहीं जाए तो मैं कोई दूसरी कंट्री अप्लाई कर लूँ, ठीक है ना, तो वो केस में आपको वीजा नहीं मिलेंगे,
लेकिन डेफिनेटली पोलैंड में रिफ्यूज हुए, आप पोलैंड में अप्लाई करो वापिस, आप ये जानना ट्राई करो कि भाई कौन से रीजन की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, वो रीजन को आप सॉल्व करो, सॉल्व करके नया कवरिंग लेटर बनाओ, नई एप्लीकेशन बनाओ, हो सके उतना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप शेयर करो ऑफिसर के साथ या इंफॉर्मेशन डिटेल्स कि वो कन्विंस हुए और वो आपको वीजा दे पाए इसके लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और भी अभी जैसे इंक्वायरी आई है, आकिफ करके स्टूडेंट हैं नवसारी से पूछ रहे हैं कि डेडलाइंस अभी और कब तक रहेंगी लास्ट, कि अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास। ओके क्या नाम है उनका? आकिफ। फिलहाल तो ये इंटेक में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज काफी अभी क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना। ओनली सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो भी शायद एक दो हफ्ते के अंदर वो भी क्लोज हो जाएंगे एडमिशंस, ये 2018 अक्टूबर के लिए। तो डेफिनेटली अगर आपको करना है तो आप एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट्स है या कुछ ना कुछ हमारे मेल पे डाल के या इंक्वायरी करके वेबसाइट से भी आप हमारा अप्रोच कर सकते हो, और मतलब आप अप्लाई करके फिर हम लोग बता पाएंगे कि भाई ये आपका बैकग्राउंड के हिसाब से कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है ये इंटेक के लिए और कौन सी यूनिवर्सिटी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो तो ये इंटेक के लिए भी क्लोज हो चुके हैं डेफिनेटली। ओके थैंक यू, आई होप आकिफ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास जो भी है रिसेंटली, स्मिथ तंबोली बाडोली से पूछ रहे हैं। बाडोली में जैसे आप जानते हैं इंग्लिश काफी लोग नहीं जानते, तो उनका क्वेश्चन है कि माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड और मेरे पास आईएलटीएस नहीं है, बट मैं आगे जाके पोलैंड से यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता हूँ, तो विदाउट आईएलटीएस क्या ही पढ़ पाएंगे वहां पे? जी स्मिथ, आप डेफिनेटली विदाउट आईएलटीएस आप अप्लाई कर सकते हो। वहां की मिनिस्ट्री और यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है। अगर आपके पास आईएलटीएस नहीं है तो आप पीटी भी हो, पीटी भी वैलिड है। अगर आईएलटीएस पीटी कोई आपकी लैंग्वेज टेस्ट मतलब कोई स्कोर कार्ड नहीं है आपका, कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आपकी जो पास में आपकी एजुकेशन अगर इंग्लिश मीडियम में हुई है तो आप एक एमओआई करके एक डॉक्यूमेंट आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो आप जो लास्ट एजुकेशन जहां से ली हुई है वहां से लाना है, वो लेके भी आप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी स्काइप इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है ना, तो स्काइप इंटरव्यू एक अटेंड करो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो स्काइप इंटरव्यू में भी आप करके फिर आप अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। और अगर उसमें भी अगर आप फेल होते हो और या जिन बच्चों की मतलब इंग्लिश काफी पुअर है तो वो भी एंड ऑफ द डे डेफिनेटली पोलैंड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर लैंग्वेज प्रोग्राम में जाएंगे, फिर वहां जाके एक साल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टडी करेंगे, लैंग्वेज प्रोग्राम स्टडी करने के बाद दे कैन अप्लाई फॉर द मेन प्रोग्राम्स, बट डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फर्दर एजुकेशन फॉर विदाउट आईएलटीएस। थैंक यू सर। स्मिथ जैसा सर ने कहा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत बढ़िया चांस है, आप जरूर राजी इंटरनेशनल को कॉन्टेक्ट करिए और आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम यहाँ से आपके लिए अप्लाई करवाएंगे। ओके थैंक यू सर। मैं आगे आपसे, अब जैसे आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया तो मैं आपसे यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछना चाहूंगा कि आरजी इंटरनेशनल इस समय कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रमोट कर रहे हैं या जो जैसे बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं भी हमारे पास आरजी इंटरनेशनल में? जय बड़ो, डेफिनेटली हम लोग ओनली बेस्ट यूनिवर्सिटीज को ही प्रमोट करते हैं जी, ठीक है। हमारे पास ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो ओनली एंड ओनली माइग्रेशन पर्पसेस के लिए हो, वी आर ओनली डीलिंग विद गुड यूनिवर्सिटीज। हमारे पास डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम से अप्लाई करना चाहते हो। डेफिनेटली अगर आईटी सेक्टर है जी, तो आईटी में हमारे पास है पोलिश जापानीज एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वार्सो, जिनके हमारे साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट्स है, ठीक है ना, विच इज ये यूनिवर्सिटी वहां की बहुत टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती है। अगर आप उनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी देखो तो वो फोर्थ रैंक पे है आज, ठीक है। हमारे पास अगर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और उसमें अगर अप्लाई करना है तो हमारे पास लजास्की यूनिवर्सिटी है जो भी वहाँ के थर्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। हमारे पास दूसरी है यूआईटी रेशो, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है वेस्ट प्रोग्रेडिव बिजनेस स्कूल इन स्टैचिन, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, वो जर्मनी से ओनली 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है ये यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में हमारे पास है बेलिस्टॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ग्लास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है,
ठीक है ना, हमारे पास दूसरे अगर साइबर क्राइम के लिए जाना है या कोई और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए कॉलेज एमसीबीटास हमारे पास है, वी हैव मेनी नंबर ऑफ गुड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के लिए जाना हो तो हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन क्रैको। So we have almost, we have more than 10-12 universities, which is all private and public both, and they are very good ranking universities. कि जिसपे visa ratio मैं इतना बोल पाऊँ कि almost 99-100% मैं बोल सकता हूँ कि visa ratio है, जो 2-3% refusal होते हैं वो they are not getting refusal because of the university, but because of कि भाई 2-3% ऐसे बच्चे होते हैं कि थोड़े नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम, लाइफ में कभी फैसला एक्सपीरियंस ऐसा होता नहीं है उन लोगों का, तो वो कुछ रीजंस होते हैं जो दूसरी बार अप्लाई करके या अप्रैल में उनमें से काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उनको। लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो 95-96% वीजा सक्सेस रेशियो यूनिवर्सिटीज पे हमको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है सर, आज के समय में इतना अच्छा रेशियो, और मेन चीज है बच्चों को जैसे फ्यूचर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है यूरोप जैसी कंट्री में, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है, इवन पेरेंट्स भी, मैं हमने ऐसे काफी रिव्यूज देखे जो बहुत बहुत खुश है। सर बिफोर वी गो अहेड, मैं अगेन हमारे जो व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं, मैं आज सारे स्टूडेंट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं फेसबुक लाइव में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई रिपीट द नंबर 7575-8666-22 एंड सेकेंड नंबर इज 7575-8999-22। आप इस समय कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे सामने रख सकते हैं। आपका अगर रिफ्यूजल हुआ है तो जैसे अभी हमने काफी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आप डायरेक्टली राजीव सर से बात करके आपका केस डिस्कस कर सकते हैं सर। ओके थैंक यू सर। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के लिए बताया, हम अभी आरजी के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं जो नई यूनिवर्सिटी जो भी बिजनेस के लिए आपने नाम बताया, वेस्ट पोमेरेनियन बिजनेस स्कूल। जी जी जी, तो हाँ मैं उसके बारे में आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे बेस्ड है पोलैंड में, और मतलब क्या एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये वेस्ट पोमेरेनियन जो बिजनेस स्कूल है वो एक्चुअली काफी नॉर्थ में और जर्मन बॉर्डर पे लगती है। ये एक्चुअली बेसिकली ये कॉलेज है स्टेचिन टाउन के अंदर। स्टेचिन इज वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट सिटी इन पोलैंड। ठीक है ना, ये सिटी काफी मतलब और चीजों से भी मतलब फेमस है कि आज पोलैंड का सी पोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सी पोर्ट है स्टेचिन के अंदर। ठीक है, ये काफी जर्मनी बॉर्डर से काफी क्लोज है। ये अगर आप वहां पे देखना चाहे तो ओनली 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जर्मन बॉर्डर का, और द नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्लिन लगता है यहाँ पे, और काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये काफी बड़ी सिटी है। ठीक है ना, ऐसे मतलब जैसे वॉर्सो की पोस्टन ये सब देखेंगे, सिटी में बस ट्राम अंडरग्राउंड वो सब फैसिलिटीज है काफी, और यूनिवर्सिटी मतलब बढ़िया है एक्चुअली। वहां अगर आप सिर्फ टाउन के नाम से भी विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो भी एजुकेशन में वहां पे कौन सी पढ़ने लायक यूनिवर्सिटीज है उसमें भी मतलब विकिपीडिया भी ये यूनिवर्सिटी प्रमोट करता है कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है स्टेचिन के अंदर आज पढ़ने के लिए, और काफी अच्छे प्रोग्राम्स है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए क्योंकि ओनली 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जर्मनी लगता है और जर्मनी की फर्स्ट करेंसी यूरो है। तो काफी ऐसी जर्मनी की इंडस्ट्रीज जो बेस्ड पोलैंड मतलब पोलैंड के अंदर जो है स्टेचिन के नियर बाय काफी इंडस्ट्रियल सिटी है क्योंकि वहां पे बढ़िया सबसे बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट है वहां पे, और सी साइड भी लगती है, ऊपर बाल्टिक सी लगता है, ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लगती है, तो ये सब जो नजदीकी कंट्री है उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत है। इंडस्ट्रीज की वजह से ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ज्यादा है क्योंकि वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की काफी हाई डिमांड्स है, बैंकिंग सेक्टर वहां का काफी बड़ा है इंडस्ट्री की वजह से। तो यहाँ पे जो बच्चे जाएंगे तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे भी बेनिफिट्स बहुत मिलने हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है वहां पे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज और लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग कॉस्ट जो है, लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है, लिविंग कॉस्ट काफी डाउन है कम्पेयर टू अदर सिटीज, और टूरिस्ट से डेस्टिनेशन है तो फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं वहां पे, तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है। जब पढ़ाई करते हो साथ में, आज हर बच्चा पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है जी, तो पार्ट टाइम जॉब के भी ऑप्शंस यहां पे बहुत अवेलेबल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने ये सारी डिटेल जो हमारे साथ शेयर की है। आई होप स्टूडेंट्स हमारे जो अभी सुन रहे हैं या अभी जो देखने वाले हैं ये फेसबुक लाइव, वो उनके सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफली वी आर ट्राइड के भी आपके डाउट्स क्लियर हो, और इसके अलावा भी अगर आपके पास इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चंस हैं
तो प्लीज आप आरजी को कॉन्टेक्ट करिए, आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू या हमारी ऑफिस पे सूरत में आके कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अगेन शुक्रिया करना चाहूंगा सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। स्टूडेंट्स आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस है info@rginternational.org और हमारे फेसबुक पेज में भी आप मैसेज डालो, आपको विद इन शॉर्ट टाइम आपको कोई ना कोई आंसर कर देगा। और कुछ भी डाउट्स हो आप प्लीज आप कॉन्टेक्ट करके हमारा आपका रिव्यूज हो या आपके कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू, थैंक यू, बाय।